सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए, असल में हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि अगर आपके पास ट्रेपेजियम है, इसको शॉर्ट में अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपके पास ट्रेपेजियम है तो डायगनल्स प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं इन ए ट्रेपेजियम, डायगनल्स डिवाइड्स इन द सेम रेशियो, डायगनल्स डिवाइड्स प्रोपोर्शनली, ये क्वेश्चन है मेरे पास। तो इसको समझिए पहले, लैंग्वेज क्या है। प्रूफ तो बहुत ईजी है और मैं पहले रफली प्रूफ बता दूंगा, आपको लगेगा अरे सर ये तो बहुत ईजी है। सब बच्चे ध्यान से देखो इधर, बहुत इजी है, मतलब माशाल्लाह आप में से हर बच्चा कर सकता है। ये देख, ये मैंने एक ट्रेपेजियम ले लिया, और अगर ट्रेपेजियम है तो फिर कहने की जरूरत नहीं है, वन पेयर पैरेलल होता है ना भाई, एक पेयर जो होगा बेटे पैरेलल। तो उसने मेंशन भी किया है कि सर ए बी पैरेलल टू सी डी। क्वेश्चन ये है कि अगर ये ट्रेपेजियम है तो इसके जो डायगनल्स होंगे, तो इसके डायगनल्स हो गए सर, एक तो हो गया ए सी और एक डायगनल हो गया बी डी, और ये इंटरसेक्ट करते हैं बेटे ओ पे। तो जो सेगमेंट्स बन रहे हैं, सेक्शन बन रहे हैं डायगनल्स, उनका रेशियो सेम होता है। दो तरीके से लिखा जा सकता है, दो तरह से मतलब, एक तो ये लिखा जा सकता है कि भाई ए सी के टू पार्ट्स हैं, ए सी अपॉन ओ सी, एंड बी डी के भी टू पार्ट्स हैं, बी ओ अपॉन ओ डी। एक तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए सी के दोनों पार्ट्स का रेशियो और बी डी के दोनों पार्ट्स का रेशियो। एक सर हम इस एओ अपॉन ओसी ना, है? सर एओ अपॉन ओसी होगा ना, एसी अपॉन ओसी ना हाँ पूरा। ए ओ, यस यस, ए सी हमने पूरा डायगनल ले लिया, यस थैंक यू। ए ओ सेक्शंस जो दो बन रहे हैं उसकी बात हो रही है, बिल्कुल बेटे। तो ए ओ, ये ए ओ वाला पार्ट एंड दूसरा पार्ट ओ सी, बी ओ वाला पार्ट एंड दूसरा पार्ट डी। एक तो ये हो सकता है, एक इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि भाई ए सी का बड़ा वाला पार्ट, ए सी का जो लार्जर सेगमेंट है ए ओ, और बी डी का जो लार्जर सेगमेंट है बी ओ, उनका रेशो, और ए सी का जो छोटा वाला पार्ट है सी ओ या ओ सी, और बी डी का जो छोटा वाला पार्ट है ओ डी, उनका रेशो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और क्वेश्चन में यही दिया हुआ है। मैंने दोनों इसलिए लिखे हैं क्योंकि एग्जाम में पता नहीं वो कैसे लिख दे, आपको कंफ्यूज कर दे कि सर हमने ए ओ अपॉन बी ओ पढ़ा था, ये ए ओ अपॉन सी ओ कहाँ से आ गया। तो हमें उससे कोई मतलब नहीं, दोनों चीजें एक ही हैं। अगर हम सी ओ को, आपने जो दिया हुआ है प्रूफ करने के लिए, सी ओ को यहाँ ले लेंगे और बी ओ को यहाँ ले लेंगे तो वही बात आ जाएगी। तो ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी। मैं तो सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास ट्रेपेजियम है तो उसके डायगनल्स प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं। अब एक तो सब बच्चे एक नंबर का क्वेश्चन देखो, एमसीक्यूज में आता है, एंट्रेंस में आता है बहुत ज्यादा, तो एक तो क्वेश्चन ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? सर ये एक्स है, ये फाइव है, ये थ्री है, ये फोर है, आपसे कह दे एक्स निकालो, इट इज ए ट्रेपेजियम एंड फाइंड एक्स। समझ में आ रहा है क्वेश्चन सबको? यस सर, यस सर, यस सर। तो अगर ट्रेपेजियम है तो आपको सीधा सीधा सा लिखना है, चॉइस इज योर्स, आप कैसे लिखना चाहते हो। आप ऐसे लिख दो, थ्री बाई फोर इज इक्वल टू फाइव बाई एक्स, यस और नो? सर x/5 भी तो लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं जी, कौन मना कर रहा है। ठीक है, आप लिख दो कि भाई x/5 इज इक्वल टू 4/3, ये ध्यान रखना है। yes, समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है? यस सर। अगर ट्रेपेजियम है तो जो डायगनल्स होते हैं उनका रेशो सेम होता है। तो ये क्वेश्चन है, और देखो इसका प्रूफ कितना इजी है। सब बच्चे स्टेटमेंट तो बाद में देंगे, पहले तो प्रूफ दो, कितना इजी सिंपल सा प्रूफ, रफली ऐसे ही समझ लो बिल्कुल बैठे बिठाए के, सर ये तो बहुत इजी था। इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, कोई बताएगा मुझे? सर गिवन ये है ए बी पैरेलल टू डी सी है, ओनली 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 ओनली, वो तो प्रूफ करना है, सिर्फ एक ही चीज गिवन है कि दो लाइन पैरेलल हैं। सब बच्चे जरा शॉर्ट में ध्यान से देख लो, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, असल में मुझे बीपीटी यूज करना है। बीपीटी होता है ट्राइंगल में एक लाइन पैरेलल। अब इसमें बहुत सारे ट्राइंगल बने हुए हैं,
लेकिन पैरेलल लाइन कोई नहीं है। अब हमारे कुछ बच्चे कहते हैं सर कंस्ट्रक्शन कब करनी है हमें पता नहीं चलता, तो कंस्ट्रक्शन कब करनी है वो समझ लीजिए भाई, हमने अभी तक सिर्फ बीपीटी पढ़ा है और बीपीटी होता है इन ए ट्राइंगल इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, तो इस ट्रेपेजियम में या इस फिगर में बहुत सारे ट्राइंगल्स बने हुए हैं अलग अलग, बट कोई भी पैरेलल लाइन नहीं है, तो हम अपनी तरफ से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करना चाह रहे अपने साइड से। तो मान लीजिए, मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी OE, किसके पैरेलल, या तो आप AB के पैरेलल ले लीजिए या आप DC के पैरेलल ले लीजिए, जो दो पैरेलल लाइंस हैं, मतलब हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है AB पैरेलल टू CD, ये तो गिवन है। और हम क्या कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन, हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं सर कि ड्रॉ OE पैरेलल टू AB। अब सब बच्चे जरा ध्यान से देखिए, OE पैरेलल टू AB कौन से ट्राइंगल में है, DAB। हाँ भाई सब बच्चे, OE पैरेलल टू AB कौन से ट्राइंगल में है, AOE। सबको समझ में आ गया, यस सर। OE पैरेलल टू AB कौन से ट्राइंगल में है, सबको समझ में आ गया, यस सर। ABD सही है सर, अगर लाइन पैरेलल है तो रेशो क्या होगा, सेम इक्वल। रेशो किसका लेना है, रेशो का वो बताइए जरा किस तरह से लिखोगे आप, क्या मैं लिख दूं, क्या मैं लिख दूं ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी ओ अपॉन ऑन ओड। सब बच्चे बताओ ये बात समझ में आ गई क्या, यस सर, बाय बीपीटी। बाय बीपीटी बिल्कुल। हां भाई सब बच्चों को समझ में आ गई बात या नहीं, यस सर, यस, यस सर। अच्छा अब आप ये बताओ ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के जी, और ए बी पैरेलल है ओई के, तो क्या ओई सी डी के पैरेलल होगा, होगा सर, यस सर। हाँ भाई हम ये कह रहे हैं बेटे कि ए बी पैरेलल है सी डी के गिवन, और ए बी पैरेलल है ओई के बाय कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे भी ए बी है यहाँ पे भी ए बी है, तो क्या सी डी ओ ई के पैरेलल होगा, बिल्कुल। तो आप कहेंगे सो ओ ई पैरेलल टू सी डी। अब जरा खुद सोचिए ओ ई सी डी के पैरेलल कौन से ट्राइंगल में है, ट्राइंगल ओडीसी सर बनाना पड़ेगा, बनावा तो है बेटे डायगोनल तो पहले से ड्रॉ है ना सर, एक की लाइन मिल गई, OE पैरेलल टू CD। हाँ भाई कौन सा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है OE पैरेलल टू CD, ADC, 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 दिस ट्रायंगल। सब बच्चे बताओ समझ में आ रहा है क्या, यस सर। अगर OE CD के पैरेलल है रेशियो लिखो जरा, क्या, तो क्या मैं ऐसे लिख दूं AE upon ED is equal to AO upon OC, ये by BPT। अब ये बताओ सही बात है क्या ये, yes। अगर हमने ये लिख लिया तो देखो बेटे यहाँ पहले वाले में भी AE upon ED है और दूसरे वाले में भी AE upon ED है, yes or no, तो अगर AE upon ED दोनों में है तो फिर हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया AO upon OC is equals to BO upon OD, yes or no। हाँ जी सर, yes। तो AO upon OC हमें क्या ये चाहिए था, हमें चाहिए BO, OC को यहां ले जाओ और BO को यहां ले जाओ, तो हमारे पास आएगा सर AO upon BO is equals to CO upon DO। देखो समझ में आ गया या नहीं आ गया, तो कल भी यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, एक ये क्वेश्चन है, एक टेंथ है और एक एग्जांपल है, तो इन तीनों को आप रिवाइज कर लीजिए, एक्सरसाइज को रिवाइज कर लीजिए, यहीं से रिवीजन में दोबारा से स्टार्ट करूंगा। सर मार्क्स डाल दो ग्रुप पे, अल्लाह मार्क्स डाल दो सर मार्क्स, पापा से कोई प्रॉमिस हुआ क्या, फुल आ गए तो ये मिलेगा,
नहीं सर ऐसा कुछ बता दो, मतलब कुछ चल रहा हो तो मैं फिर दे दूंगा 5-6 नंबर और बढ़ा के। हाँ भाई 5 नंबर के 5 रुपए, जल्दी बताओ किसी को लेने हो तो। नोमान कर लें सौदा? है भाई नोमान? Yes, आधे 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 आधे, अगर पापा से कुछ लेना है तो आधे आधे कर लो, बस बांट लो। चलो मैं फिर नंबर बढ़ा दूंगा और क्या। बताओ जल्दी से। एक हमारा बच्चा आकिफ है, बहुत अच्छा बच्चा है माशाल्लाह, मेहनती बच्चा है, बहुत सारा होमवर्क करता है, बस क्लास में नहीं बोलता आकिफ मियां बस। अबे आकिफ मियां, आकिफ खामोश, साइलेंट मोड वाले बच्चे हैं कुछ हमारे माशाल्लाह। चलो जी कोई बात नहीं, तो थोड़ा थोड़ा सा सब बच्चे प्लीज ट्राई करें। ज्योमेट्री बहुत मजेदार चीज है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी आपको समझ में आ गया तो फिर जिंदगी भर के लिए इंशाल्लाह क्वेश्चन नहीं निकलेगा। कोशिश करेंगे भाई? यस सर। चलिए ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर।